बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट पैन जीनोमिक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनबीओ से, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बड़ी डिटेल में बताया, इंस्टॉलेशन उसकी कैसे करनी है, और उसका स्क्रिप्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के कमेंट्स में भी डाल दूँ और आपको सेंड भी कर दूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, एनबीओ क्या है, क्यों है, किस वजह से है, और हम इस पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। And after that, we are going to construct a pan genome of some kind of small groups. Strain level पे भी हो सकता है, वो species level पे भी हो सकता है, या organism level पे भी हो सकता है। और NVO को use करते हुए basic चीज़ें हम सीखेंगे, और इसके बाद आपको एक बड़ा ही level का tool जो recently launch हुआ है और मेरे हाथ लगा पिछले ही week, मैंने भी पहले नहीं use किया था, लेकिन जब मैंने उसे utilize किया, it can save your time up to, I would say, months to days. मतलब अगर आपने 3 माह एक चीज़ को लगाए हैं, वो आप 4-5 दिन में कर सकते हैं वो काम, जो टूल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और वो टूल देख के आप परेशान हो जाएंगे कि आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़नी, सिर्फ आपने जीनोम्स को अपलोड करना है, एवरीथिंग विल बी देयर एट द एंड। और आपको तस्वीरों से लेके उसकी जितने भी फिगर्स हैं, प्लॉट्स हैं, वो सारे के सारे रेडीमेड मिल जाने हैं, एंड लोग उसी एक टूल को यूज करके पेपर तक पब्लिश कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू राइट द पेपर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन काइंड ऑफ हाइपोथेसिस फॉर दैट। और आज हमारा पैन जीनोमिक्स का ये लेक्चर जब खत्म होगा, एंड देन आज हम पैन जीनोमिक्स को खैरबाद बोलेंगे पूरे के पूरा कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज वी स्टार्टेड मेनी डेज अगो। और पिछले लेक्चर जो हैं वो आप बायोइनफॉर्मेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप उसको लिंक भी आपके पास आ जाएगा, और एट द एंड आप पूरे के पूरे पैन जीनोमिक्स सीख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीनोम असेंबली, जो हमने पिछले दिनों बात की थी। लास्ट टाइम मैंने आपको टास्क भी दिए थे कि आप जीनोम की स्ट्रक्चर को चेक करें कि जीनोम कैसा है, कंप्लीट है, क्लोज है या नहीं है, और उसको कैसे चेक करना था। बैंडेज एक टूल मैंने आपको दिया था, उसके थ्रू आप जीनोम असेंबली चेक कर सकते थे। एंड देन मैंने आपको ये भी बताया था कि फिग ट्री के थ्रू आप अपना ट्रीज चेक कर सकते हैं यूजिंग GTDB, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जीनोमिक टैक्सोनॉमिक क्लासिफायर की बेस पे, क्लासिफिकेशन, जैसे हम टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करनी होती है उसकी बेस पे। तो पैन जीनोम, जाहिर बात है आपको पता है कि एक हैवी चीज है, और पैन जीनोम के ऊपर बात करने से पहले बहुत ज्यादा चीजें जो हैं आपको टर्म्स एंड नॉलेजेस आपको समझनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब आप पैन जीनोम्स की बात करें, तो जरूरी ये है कि आप अपने पैन जीनोम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका हाइपोथेसिस जनरेट कर लें कि आपने ये करना क्यों। ठीक है, मैं आपके सामने अब स्क्रीन शेयर करता हूँ और उस पर जाके बात करते हैं, बजाय इसके कि हम इधर उधर की बातें करते रहे। ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, एंड बिलीव मी दिस लेक्चर कैन एक्चुअली शो यू कि आप किस तरीके से अपना एक रिसर्च पेपर पैन जीनोम के ऊपर लिख सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू द होल रिसर्च पेपर एज वेल, और बड़ा मैंने विद इन फ्यू मिनट्स आपको ये बताना। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि पैन जीनोम जो है उसके लिए एक पाइपलाइन है जिसका नाम है एनबीओ। ठीक है, ये पाइपलाइन मैंने आपको बताई थी कि ये हम यूटिलाइज करने वाले हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो लोग नए हैं बिल्कुल, तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बड़ी ही डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी पाइपलाइन आपने इंस्टॉल करनी है। व्हेन यू इंस्टॉल दिस पाइपलाइन, द नेक्स्ट थिंग इज टू गो टू लर्न। लर्न पे जाने के बाद यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल पैन जीनोम की एक्सरसाइज बताई है, आप ये देख सकते हैं। और सेकेंड, उन्होंने आपको यहाँ पे एनवीओ पैन जीनोमिक्स वर्क फ्लो, यहाँ पे ये दो चीजें बताई हैं। तो एक एक्सरसाइज है, एक वर्क फ्लो है। तो अगर आप एक्सरसाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मिनी वर्कशॉप आ जाएगी एक्सरसाइज की, विब्रियो जेस्टिडा के ऊपर इन्होंने पूरे का पूरा एनालिसिस किया, विच वी अपलोडेड रिसेंटली एज वेल। और सेकंड, यहाँ पे अगर मैं रिस्टोर करूँ इस टैब को, अच्छा फायरफॉक्स ही क्रैश कर गया, जस्ट गिव मी वन सेकंड। तो मैं यहाँ से पैन जीनोमिक्स वर्क फ्लो इस पर क्लिक करता हूँ, यस दिस इज द वर्क फ्लो। तो एनवीओ को यूज करके आप पूरे का पूरा वर्क फ्लो बना सकते हैं। ठीक है, तो पैन जीनोम के लिए जरूरी है कि आपके पास दो जीनोम्स हों जरूरी फास्टा फाइल के अंदर, बिकॉज दिस इज दिस वर्क फ्लो वर्क इन अ वे कि आपके पास पहले फास्टा फाइल्स होनी जरूरी है जीनोम की, और फास्टा फाइल से आप फिर दूसरे जीनोम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे, कौन से जीनोम है, किस तरीके से ये चलता है, ये अगर आपको मिनी वर्कशॉप एनवीओ के बारे में अगर आप इसको गौर से देखेंगे, देन यू कैन हैव एन आइडिया कि पैन जीनोम किस तरीके से आप एनवीओ के ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल के अंदर 12, 13, 14, 47, 52, 53, ये सारे के सारे फास्टा फाइल के अंदर जीनोम्स, या आपकी जो जीनोमिक असेंबलीज हैं फास्टा फाइल के अंदर, वो उन्होंने यहाँ पे कलेक्ट की, और एक रेफरेंस असेंबली उन्होंने साथ में रखी। ठीक है, और रेफरेंस असेंबली और बाकी असेंबलीज के साथ उन्होंने मिलकर इनको बनाया, and then they constructed a pan genome here.
स्टार्ट में उन्होंने बताया कि यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फास्टा फाइल्स एंड देन यू कैन वर्क ऑन दिस फास्टा फाइल, और फास्टा फाइल के बाद आप जीनोमिक वर्कफ्लो पूरा अपना बना सकते हैं। बट अगर आप गौर करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। ये मैंने सबसे पहले क्या किया जनाब, पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन का स्क्रिप्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दिस स्क्रिप्ट एज वेल, इंस्टॉलेशन का स्क्रिप्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है एनवीओ पैनजीनोम के नाम से, और उसके अंदर आपने एनसीबीआई की जितनी भी जीनोम फाइल्स हैं उनको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है एनवीओ के पैनजीनोम के अंदर, और फिर आपने .fna फाइल को फास्टा में कन्वर्ट करना है। यू कैन डू इट फ्रॉम एनसीबीआई एज वेल, जो हम आज करने वाले हैं, एनसीबीआई से जीनोम लेंगे, .fna फाइल वहां से मिलती है, उसको .fasta में रीनेम कर लेंगे, .fasta में रीनेम कर लेंगे। रीनेम करने के बाद हम लिस्ट ऑफ जीनोम फाइल्स बना लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे पास पता चल जाएगा हमारे पास कितने किस्म के जीनोम्स अवेलेबल हैं, यानी कि अगर मेरे पास 12.fasta है, 13.fasta है, 14.fasta है, इन तीनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरे पास 12, 13, 14 की एक लिस्ट बन जाएगी विदाउट .fasta। उस लिस्ट का क्या फायदा होगा, वी कैन रन फॉर लूप्स, कि जहां पे 12 आया उस पर रन करो, 13 आया उस पर रन करो, 14 आया उस पर रन करो, एंड देन वी कैन एक्चुअली डिवेलप अ पैन जीनोम एट द एंड, व्हिच इज रियली इजी। और अगर आप एनवीओ को यूज करना चाहते हैं तो मैंने असल में ये पूरे का पूरा वर्क फ्लो जो है इसे फॉलो करके ये पूरे के पूरे बेसिकली जो काम है वो सर अंजाम दिया। लेकिन दौर इतना फास्ट आ गया, अगर आप इसके ऊपर टाइम लगाते हैं विब्रियो रिशिदा पैन जीनोम मिनी वर्कशॉप के ऊपर, और आप अपना पूरे का पूरा पैन जीनोम इससे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, देन यू आर एक्चुअली आई वुड से, सॉरी टू से, लेकिन आई वुड से यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच शुडंट बी देयर। क्यों, कैसे, किस वजह से, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। अगर आप चाहते हैं कि कोडिंग के थ्रू ही सारा काम करना है, तो यू कैन रेप्लीकेट ईच एंड एवरी स्टेप फ्रॉम दिस वर्कशॉप ऑन योर जीनोम, इस वर्कशॉप से अपने जीनोम के ऊपर। कैसे, मैं चाहता हूं एनसीबीआई के ऊपर जाने के बाद मैं यहां पे बैक्टीरॉइडिस जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो लिखता हूं, बैक्टीरॉइडिस लिखने के बाद मैं यहां पे टैक्सोनॉमिक ब्राउजर में जाता हूं, टैक्सोनॉमिक ब्राउजर में जाने के बाद मैं यहां से अपना बैक्टीरॉइडिस का कोई भी एक ग्रुप चूज करता हूं, एंड वी वर वर्किंग ऑन बैक्टीरॉइडिस फ्रैजिलिस, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहां पे जीनोम जितने भी 814 हैं सारे के सारे में उनको यहाँ पे क्लिक करके ले लेता हूँ, ये मेरे पास जीनोम आ गए। एंड व्हाट आई कैन डू इफ आई क्लिक ऑन दिस असेंबली, तो मेरे पास अगर आप गौर करें तो ये असेंबली आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से मैं असेंबली को भी डाउनलोड कर सकता हूँ, और अदरवाइज आई कैन ऑल्सो गो टू द जीनोम फाइल और मैं वहां से जीनोम को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ से असेंबली पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये फास्टा फाइल डायरेक्टली में मैं लेके जा सकता हूँ असेंबली की, ठीक है, डायरेक्ट फास्टा फाइल में मैं लेके जा सकता हूँ यहाँ से डाउनलोड करने के बाद। और ये फास्टा फाइल कहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, फॉर विब्रियो जशीदा लाइक एग्जाम्पल, मतलब मैं यही फास्टा फाइल को आपस में कंपेयर करूंगा, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे वर्क फ्लो बताया हुआ है। फिर मैं दूसरा जीनोम लूंगा, उसको डाउनलोड करूंगा और उसको कंपेयर करूंगा। अच्छा, ये तो वो चीज होगी कि असेंबली के मेथड है कि आप यहाँ पे असेंबली के थ्रू जाएं। अगली चीज ये है कि असेंबली के थ्रू जाने के बजाय आप जीन बैंक पे जाएं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जीन बैंक का, या आप रेफ सीक भी कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। ये दो किस्म के होते हैं क्रोमोसोम, सॉरी सीक्वेंसेस, आपको पता है एक होती है रेफ सीक, तो एक होती है जीन बैंक। जीन बैंक क्या होती है, जीन बैंक थोड़ी सी पुरानी है, रेफ सीक नया एल्गोरिथम है। यहाँ पे सेंड टू पे क्लिक करें, फाइल पे क्लिक करें, और यहाँ से आप फास्टा पे क्लिक कर सकते हैं, विच इज दिस वन। मैं से जैसे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डॉट फास्टा फाइल आ जाएगी सीक्वेंस की, ठीक है, आई कैन कंपेयर दिस वन एज वेल। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप असेंबली की फाइल को कंपेयर करें। तो जैसे ही आपके पास ये दो फाइल्स आ जाएंगी, एक इसकी और इसकी, आप दोनों में सेम किस्म की ट्रिक्स चलाएंगे। ये नहीं होगा कि एक को आप जीनोम से डाउनलोड कर लें और एक को रेफ सीक से कर लें, यू हैव टू यूज बोथ थिंग्स इन द सेम वे। तो मैंने ये दो फास्टा फाइल एक किस्म से डाउनलोड कर ली, ठीक है, मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ इसको भी, और यहाँ से फास्टा पे क्लिक करता हूँ, एंड देन आई कैन डाउनलोड द फास्टा। मेरे पास दोनों फास्टा की फाइल्स आ गई, ठीक है, फास्टा एंड फास्टा, ये दो फाइल्स मेरे पास आ गई। अब इन दोनों को हमने पैन जीनोम में लेके जाना। इसी तरीके से 800-900 फाइल्स भी आपके हों, यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन वर्क ऑन देम बेस्ड ऑन विब्रियो जशीदा। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये पुराना काम हो चुका है, देन व्हाट इज न्यू, कुछ तो नया होना चाहिए। पुराने से मुराद ये ठीक है, ये भी ठीक है, जबरदस्त तरीका है,
और ये कोडिंग के थ्रू आप खुद से ट्वीक कर सकते हैं, इंटरफेस इसका अच्छा, एवरीथिंग इज फाइन, बट देयर इज अ बट। अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखें पैन जीनोम एक्सप्लोरर, सिर्फ ये लिखें गूगल पे, देन यू विल गो टूवर्ड्स दिस टूल जो बला का टूल है। ये ऑनलाइन टूल है, आपके अपने रिसोर्सेज भी नहीं यूज होने, आपका पैन जीनोम बन के आपके हाथ में। आप क्या कर सकते हैं, यहां पे क्लिक करें, जो इनके अपने अपलोडेड पैन जीनोम्स हैं, हम पहले उनको देखते हैं कि कैसा टूल है ये, हाउ इट वर्क्स। नाउ यू विल सी कि मैंने यहां से इनके जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस पे, ज़ेंथो होस्ट रेंज पे, ज़ेंथोमोनास ओराइज़ा पे और एनाप्लास्ट मेट्रिश पे, ये चार प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी किए हैं, आप अपना भी बना सकते हैं, बट वी विल सी कि इन्होंने जो काम किया है वो क्या है। स्ट्रेप्टोकोकस पे मैं क्लिक करता हूँ, विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेन्स इन मेनी फील्ड्स। मैंने क्लिक किया, सिर्फ क्लिक किया है मैंने, नाउ यू विल हैव एन आइडिया कि इसकी कितनी बड़ी जो है वो कितने ज्यादा फायदे हैं। बाय द वे मैं इसी लिंक को ना अपने ओरिजिनल पीसी पे लेके जाता हूँ, बिकॉज दिस वन इज मेकिंग काइंड ऑफ इश्यूज, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट के ये स्किप होता रहे चीजें, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। Yes, no, it's fine. ये अब आपके सामने वो ब्लर ब्लर नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। सो मैं यहां पे लिखता हूं पैन जीनोम एक्सप्लोरर, और जारी बात है टाइम बचाना हमारा मेन काम है। ऑब्वियसली एनवीओ इज द बेस्ट टूल, आप उसमें बहुत कुछ ट्वीक कर सकते हैं, यानी कि होता है ना कि थोड़ी बहुत सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन के वो उसमें कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स लाइक दिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस पे मैं क्लिक करता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस पे सॉरी, ये आपके सामने टूल आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीनोम्स प्रोसेस बाय दिस टूल, 17 जीनोम्स को उन्होंने कंपेयर किया, कितने जीनोम, 17, ठीक है। आप भी ये डाल सकते हैं 17 जीनोम की फाइल, कैसे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ए मिनट। फिर पैन जीनोम का टोटल साइज कितना आ गया, पैन जीनोम का मतलब है कि टोटल जीनोम 17 के 17 मिला के कितने क्लस्टर बनते हैं। क्लस्टर क्या होता है, पहला क्लस्टर वो होगा जो सभी में सेम किस्म के जीन्स हैं, राइट। दूसरा क्लस्टर वो होगा कि तीन में सेम है, तीन में डिफरेंट है। फिर तीसरा क्लस्टर पूरे 17 में से 4 में सेम आ रही है जीन्स। इसी तरीके से सभी के अंदर कॉमनैलिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस पे 3546 क्लस्टर्स बने हैं, 3546। अब आपको यहां पे पता चल रहा है कि कोर जीन्स कितनी है, जीन्स 17 के 17 जीनोम्स में, दीज आर 39.1%। कोर जीन्स क्या होती हैं पता है ना, विच आर सिमिलर इन ऑल स्ट्रेन्स, ऑल जीनोम्स। कितना जबरदस्त चीज है, आपके पास ग्राफ बना बनाया आगे एनवीओ के अंदर आपको बनाने पड़ते हैं बार 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 बार। सेकंड, स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स 20% है, विच आर 735 इन टोटल। 20% 20.7% आर स्ट्रेन स्पेसिफिक, और डिस्पेंसेबल जीन्स जो हैं वो 40.2 हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोर जीन्स, स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स एंड डिस्पेंसिबल जीन्स का क्या मतलब है जरा सर्च कर लें, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए, अपने पास नोट्स में लिख लें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू लर्न। ठीक हो गया, कोर जीन्स, स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स एंड डिस्पेंसेबल जीन्स, ये वही चीज है जो स्टार्ट में मैंने आपको बोली थी कि यू शुड वर्क ऑन सम की टर्म्स ऑफ पैन जीनोम विच शुड बी रियली अंडरस्टैंडेबल इन योर ओन माइंड। मतलब ये नहीं होगा कि आप सीख रहे हैं और आपको टर्मिनोलॉजीज का ना बताऊं। सो जैसे ही आपको पता चलता है आप चैट में लिख सकते हैं, and then we can have an idea कि क्या चल रहा है। और ये टूल इतना लेवल का टूल है, जिसने भी बनाया उन्होंने पीछे कोडिंग ही है इसके सारे के सारे, लेकिन हमारे सामने क्लिक एंड ड्रैग के बेस पे काम चल रहा है। अच्छा, स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स, डिस्पेंसेबल जीन्स एंड कोर जीन्स, ये आपने सर्च करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखनी है, तो आप ऐसे क्लिक कर देंगे, यानी कि हर स्ट्रेन के अंदर स्पेसिफिक जीन्स विच एक्चुअली मेक दैट स्ट्रेन यूनिक फ्रॉम अदर्स वो कितनी है, उसका ये वाला प्लॉट आपके सामने आ गया। ठीक है, तो दीज आर नंबर ऑफ जीन्स, हर स्ट्रेन के अंदर कुछ नंबर ऑफ जीन्स ऐसी हैं विच
मेक्स दैट स्ट्रेन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. समझ आई बात की? मैं एक मिसाल देता हूं, यहां पे जितने लोग बैठे होंगे, अगर किसी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन के ये वाली ऊपर उसके व्हाइट लाइन है और दाढ़ी रखी है, ग्लासेस लगाए हैं, दैट मेक्स हिम यूनिक. तो वो मेरी स्ट्रेन स्पेसिफिक क्वालिटीज है. मैं जीन्स नहीं बोलूंगा, जारी बात है, मैं स्पेसिफिसिटीज की बात कर रहा हूँ. तो इसी तरीके से हर स्ट्रेन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरी में नहीं है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स. ठीक है, तो वो कितनी हर किसी में, वी कैन सी हियर. यहाँ पे चेक करें जनाब, सबसे ज्यादा इसमें है, फिर आते 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 इसमें कम है, जिसमें नहीं होंगी यू विल नॉट सी दैट. और ये कहाँ से आया? यहाँ से आया. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके से आपके पास ग्राफ बन रहा है. आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इसको फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं लाइक दिस लुक, और या आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, काफी फॉर्मेट्स यहाँ पे पड़ी है, वापस जाना है तो एस्केप दबा देंगे. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. रेडी पब्लिश पब्लिकेशन रेडी ग्राफ आएंगे. देन अगला ग्राफ जो हम बनाते हैं वो हम ये देखते हैं कि 17 की 17 जीन में कहाँ कहाँ पे क्लस्टर्स बने और कैसे बने हैं ये जीनोम के अंदर. अब ये चेक कीजिएगा, ये मेरे पास जीन क्लस्टर मैट्रिक्स है. और बिलीव मी, अगर आप खुद इसे कोड के थ्रू बनाते हैं, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग दैट मैट्रिक्स, जो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, विच आई जस्ट डिड. और ये आपके पास CSV फाइल के अंदर आपके पास आ जाएगा, या एक्सेल की फाइल के अंदर आ जाएगा. ये मैट्रिक्स क्या करता है? ये मैट्रिक्स आपको हेल्प करता है टू नो कि कहाँ पे किस किस्म की जीन्स अवेलेबल है, कहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो रहा है, और कहाँ पे मतलब कंट्री का डिफरेंट है या आपके पास कॉन्टिनेंट का डिफरेंस है. सो दिस इज हाउ योर मेटा डेटा लुक्स लाइक. और यहाँ पे आपके सारे के सारे 17 के 17 जीनोम्स हैं. एंड नाउ यू विल सी दिस हीट मैप. अब आपको पता चलेगा कोर जीन्स क्या और क्लस्टर्स क्या थे. ये सारी की सारी कौन सी जीन्स हैं? सभी में सेम है. These are core genes. These are core gene clusters. ये वो वाली जीन्स हैं जो सभी में सेम है, सभी के सभी क्लस्टर्स में. ठीक है, अब जैसे लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहां से डिफरेंस स्टार्ट हो गए. ये इस डिफरेंस की मैं बात कर रहा था. एंड नाउ यू विल सी कि अगर यहां पे कोई जीन ऐसी है जो दूसरे में भी है किसी और स्ट्रेन में, देन दीज आर फ्रॉम द सेम एनवायरमेंट प्रोबेबिलिटी. अगर एक क्लस्टर ऑफ जीन्स यहां पे अवेलेबल है और वो किसी और स्ट्रेन में भी अवेलेबल है या किसी और जीनोम में भी, दैट कैन शो कि ये बेसिकली मे बी दैट कैन शो कि ये दोनों के दोनों गर्म इलाकों से निकाले गए हैं. ठीक है, या ठंडे इलाकों से निकाले गए, मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम है. सेम वही बात मैंने ब्लैक शर्ट की बात की, ये मैं दाढ़ी की बात करता हूँ. अगर हमारी क्लास में दो बंदों ने दाढ़ी रखी हुई है, दैट मीन्स वी माइट बी फ्रॉम द सेम कंट्री या सेम रीजन या सेम रिलीजन. आई एम बीइंग रियली स्ट्रेट कि यहाँ पे हर एक जीन किसी एक प्रॉपर्टी को शो करती है और उस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना एज ए साइंटिस्ट हमारा काम है. हीट मैप हमें सिर्फ आइडिया देता है, हमें उसे फर्दर कंफर्म करना पड़ता है बेस्ड ऑन आवर मेटा डेटा. एंड देन वी कैन सी अ लॉट ऑफ जीन क्लस्टर्स हियर. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ प्रेजेंस अब्सेंस मैट्रिक्स. ये वही मैट्रिक्स नहीं है जो पैनरो की आउटपुट में भी आपको मिला था, अगर आपको याद हो. प्रेजेंस अब्सेंस की जीन्स, प्रेजेंस का मतलब है कि किस स्ट्रेन में ये जीन अवेलेबल है, अब्सेंस का मतलब है किसमें नहीं है, सिंपली. और जहां पे रेड कलर है उसमें अवेलेबल है, जहां पे रेड कलर नहीं है दैट मींस दैट इज नॉट प्रेजेंट देयर. और आप एक और मजे की चीज देखें कि यहां पे मैं किसी जीन पे जाता हूं ना, साथ में डिटेल क्या आ रही है, इसका जीनोम कौन सा है, क्लस्टर नंबर क्या है. पॉइंट टू बी नोटेड, क्लस्टर नंबर 1961 है, टोटल हमारे पास 3500 के ग्रीन है. फिर डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरियोसिन लाइक पेप्टाइड BLPL समथिंग लाइक दैट, जीन का नाम आ गया. एंड देन वी हैव कॉक कैटेगरी. कॉक क्या है, आपको मैंने पिछली दफा बताया था, कोई बता सकता है मुझे? कॉक, कैग और कॉक के बारे में मैंने आपको बताया था, फंक्शनल एनरिचमेंट के लिए यूज होते हैं. नेट से सर्च कर लें, कोई मसला नहीं. कॉग पूरा किस चीज की एब्रिविएशन है. और यहां पे मैंने आपको पहले बताया कि वी हैव क्लस्टर नंबर, क्लस्टर कॉग हो गया ऑफ, हाँ जी, इस वजह से मैं कहता हूं टर्म्स को बार बार देखा करें, क्लस्टर ऑफ ऑर्थोलॉगस ग्रुप्स या जीन्स, दोनों में से क्या है. मेरे पास दो आंसर आए हैं, एक मंजूर भाई का, एक इकरा का.
ऑर्थोलॉगस जीन्स है। अब मुझे बताएं ऑर्थोलॉगस क्या होता है, रटा नहीं ना हमने लगाना ताकि याद रहे। एक लफ्ज होता है ऑर्थोलॉगस, एक होता है होमोलॉगस, ये दोनों सेम है। होमो का मतलब है सेम, जीन्स दैट इन्वॉल्व फ्रॉम सेम एंसेस्टर, ठीक है समझ आई। मतलब ये कि अगर दो भाई हैं, जारी बात है उनके बाबा तो सेम एंसेस्टर हैं, लेकिन अगर बहुत पीछे जाएं और हमें पता ना हो कि फलां बच्चा जो है वो उसके बाबा का नाम क्या है या फलां बच्चे के बाबा का नाम क्या है, तो अगर उन दोनों में कुछ चीज ऑर्थोलॉगस मिल जाए, दैट मीन्स दैट कुड हैव बीन शेयर्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। जैसे मैं बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल देने वाला हूँ अभी ह्यूमंस के बारे में, कि जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम यू नो फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं वो ये कहते हैं कि हजरत आदम और हजरत अम्मा हव्वा वहां से हम डिसेंड हुए हैं, और उनके भी दो कान दो हाथ और इसी तरीके से सारी सिमेट्री चलती थी। तो अगर हम सेम एंसेस्टर को शेयर करते हैं, वी शुड हैव सेम जीन्स विच वी शेयर फ्रॉम द एंसेस्टर। तो ऑर्थोलॉगस का भी यही मतलब है कि अगर दो जीन्स का क्लस्टर ऑर्थोलॉगस इज कमिंग फ्रॉम सेम एंसेस्टर, तो इसका मतलब यह है कि हम उसको कॉक कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसा कि एक जी कैटेगरी है, जी कैटेगरी एक कॉक कैटेगरी है, या एस कैटेगरी लगा लें, जी लगा लें, कोई भी लगा लें, मैं यहाँ पे चले एस लगा लेते हैं। एस का मतलब यह है कि जो एस की कैटेगरी के अंदर प्रोटीन्स आएंगी ना, दैट विल हैव सेम फंक्शन ऑफ द अदर कैटेगरीज, अदर जीन्स विच आर इन द सेम कैटेगरी। कॉक कैटेगरीज की बात हो रही है, और कॉक कैटेगरीज अगर आपने देखनी है तो कॉक कैटेगरीज विद फंक्शंस, ये है आपके सामने कॉक कैटेगरीज। और मैं इस पर क्लिक करता हूं, इट विल ओपन। अगर ए कैटेगरी है तो आरएनए प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन है, तो हम जीन्स को ना डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए से लेके एस तक जीन्स जाती है, ठीक है। और एस का मतलब ही वो है कि अननोन फंक्शन। व्हेन एवर यू विल सी अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन, यू विल हैव एस कैटेगरी फॉर दैट रीजन। एस कैटेगरी इज फॉर अननोन फंक्शन या डोमेन ऑफ अननोन फंक्शन जीन्स, डफ आता है ना अक्सर का जीन्स के साथ, तो आप उसको भी एस कैटेगरी में डालते हैं। अगर कोई सेल मोटिलिटी वाली हुई तो दैट विल कम अंडर एन कैटेगरी, ठीक है। फिर इसी तरह को इंजाइम मेटाबोलाइट्स की तो वो एच कैटेगरी में जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन की हुई तो के कैटेगरी में, ट्रांसलेशन की हुई तो जे कैटेगरी में। सो दिस इज हाउ यू हैव कोक कैटेगरीज। इसको बोलते हैं फंक्शनल एनरिचमेंट एनालिसिस, यानी कि जीन्स को उनके फंक्शंस के हिसाब से ग्रुप कर देना, सही है। अब समझ आई कि जिसका फंक्शन तकरीबन सेम है उसका एंसेस्टर सेम है, एंसेस्टर से मुराद एंसेस्टर इज फंक्शन। अब यहां पे इसी वजह से इसको बोला जाता है क्लस्टर्स ऑफ ऑर्थोलॉगस जीन्स, यानी कि वो जीन्स जिनका सेम फंक्शन है, बिग ब्रॉडर फंक्शन, स्पेसिफिक की नहीं बात कर रहा, ब्रॉडर कर रहा हूं। अभी एक का फंक्शन है बायोलॉजिकल अमीनो एसिड प्रोड्यूस करना, जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और दूसरे का भी काम है अमीनो एसिड प्रोड्यूस करना, तो दोनों सेम कैटेगरी में आएंगे। अब अगर एक करती है ल्यूसीन और दूसरी कुछ और अमीनो एसिड प्रोड्यूस करती है, डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि हमने ब्रॉडर कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर दिया, दैट सेज कोक कैटेगरीज। अब इसी की बेस पे अक्सर औकात आपके पास कोक कैटेगरी का नंबर नहीं दिया जाता, और ये बेसिकली पैन जीनोम के अंदर आप कोक कैटेगरीज असाइन करते हैं टू जीन्स, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फास्टा फाइल्स, ठीक है, फास्टा फाइल से स्टार्ट कर रहे हैं आप, आपके पास कोई जीनोम एनोटेशन नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ सीन कैसे चलता है। यहाँ पे मैं दोबारा से एनवीओ के ऊपर जाता हूँ, एनवीओ के ऊपर जाने के बाद आपको मैं पूरा उनका वर्क फ्लो जो है एक दफा दिखा देता हूँ, ताकि आपको दोनों का पता चल जाए कि किस तरीके से हमारे पास दोनों चीजें चल रही हैं। यहां से हम क्या करते हैं, फास्टा फाइल डाउनलोड की है हमने, ठीक है, और एक रेफरेंस सीख कर ली है। हमने क्या किया, फास्टा डाउनलोड करने के बाद
हम फास्टा की फाइल को कंटेक्ट डेटाबेसिस में कन्वर्ट करते हैं ऑन एनवीओ। वो कौन सी फाइल्स हैं? वो एनवीओ की अपनी बनाई हुई फाइल्स हैं। एनवीओ कहता है कि मुझे फास्टा नहीं चाहिए यार, इनको कन्वर्ट करो, जो फाइल मुझे पसंद है मुझे वो वाली दो। आप वो वाली बना देते एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर स्कैफोल्ड्स, और उनके ऊपर आप फिर रन करते हैं डिफरेंट किस्म की कॉन्टेक्स्ट डेटाबेसिस बनाते हैं। फिर आप यहाँ पे आके एनोटेट करते हैं उन डेटाबेसिस पे, यानी कि फास्टा को एनोटेट करते हैं। जब आप एनोटेट करते हैं आपके पास प्रोटीन्स, जीन्स, ये सारा कुछ आ जाता है। जैसे प्रोका कर रहा था, प्रोका से एनोटेशन की नाम ने, तो ये फास्टा से हमने प्रोडिगॉल यूज करता है, ये वाला जो एल्गोरिथम है ये प्रोडिगॉल को यूज करता है। जैसे हम इसको एनोटेट करते हैं तो हमारे पास HMMs, COGS, TRANS और टेक्सोनोमी, ये कुछ चीजें आ जाती हैं जिसकी बेस पे डेटाबेसिस के साथ मैच करके हम एनोटेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप उनको कॉग कैटेगरीज असाइन कर रहे हैं, जीन का फंक्शन असाइन कर रहे हैं हर जीन को, जीन्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, एनोटेट कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये वाला वो स्टेप है एनवीओ के अंदर, ठीक है, विच यू कैन सी हियर। यहाँ पे क्या है, आपके पास फॉरन के फॉरन वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। हम पहले वो कॉग कैटेगरीज बनाते, फिर जीन मैट्रिक्स बनाते, फिर हीट मैप बनता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास है, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ऑब्वियसली ज्यादातर रेड चलता है तो वो आप वैसे ही रख सकते हैं। फिर स्नैपशॉट लेनी है, इंटायर चार्ट लेना है, सो इट्स अप टू यू। ये मैंने इंटायर चार्ट पे क्लिक किया, मेरे पास पूरे का पूरा इंटायर चार्ट जो है एसवीजी के अंदर सेव हो गया, एंड देन आई कैन एक्चुअली डाउन वर्क विद दैट इंटायर चार्ट, सो इट्स अप टू यू। ओके, एंड देन आप यहां से भी इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और अगर आप लॉक के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस दोनों सेम तरीके से चलेंगे, ठीक है। देन यू कैन हैव एन आइडिया कि आपके पास कहाँ पे ऑर्थोलॉगस है और कहाँ पे होमोलॉगस है। इस तरीके से अगर मैं इसको सभी को कंजेस्ट करूं और यहां से मैं इस तरीके से ऐसे कर लूं, देन आई कैन मूव माय स्लाइडर लाइक दिस, ठीक है। तो राइट साइड पे हमेशा आपकी कोर जीन्स आती हैं, लेफ्ट साइड पे डिस्पेंसेबल जीन्स आ रही होती हैं, जिसको हम प्रेजेंस एब्सेंट मैट्रिक्स कहते हैं। बाय द वे, दिस इज पब्लिकेशन रेडी ग्राफ अगेन, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट वाज दिस वन, यू हैव टू मेक इट, ये भी पब्लिकेशन रेडी, आप इसे डाउनलोड करें और चला लें। नहीं ये पसंद, डाउनलोड करें मैट्रिक्स को, यहाँ पे आपके पास एक्सेल की फाइल आएगी, अपना हीट मैप बना लो आप, ना मानो उनकी एनालिसिस हो गया आपके पास। देन दिस इज अ हीट मैप विद डेंडोग्राम्स, यानी कि हर जीन को आपस में ग्रुप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना हीट मैप को, यू कैन नॉट ग्रुप जीन्स बेस्ड ऑन द फंक्शन। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलना कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरियां क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग, इसको हायरार्किकल क्लस्टरिंग बोलते हैं। ये जो ऊपर हुई है ना, हायरार्किकल क्लस्टरिंग बोलते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। आपको नहीं पता, नो प्रॉब्लम, ये डेंडोग्राम डंडे से जो बनते हैं, दिस ग्रुप्स ऑल ऑफ द जीन्स एट दिस पॉइंट, ये सारी की सारी जीन्स हो रही हैं ग्रुप, यहाँ पे आपकी जीनोम्स हो रहे हैं ग्रुप, ठीक है, क्योंकि आपके पास y एक्सिस पे क्या है, ये 17 के 17 जीनोम्स है, ठीक है, ये y एक्सिस पे जीनोम हो गए। अब ये ग्रुप हो रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्लोज क्लोज हैं, ये दोनों आपस में क्लोज हैं, ये दोनों आपस में क्लोज हैं, लेकिन इन दोनों के साथ सिमिलैरिटी थोड़ी सी इसकी भी है, ठीक है। एट द एंड एवरी थिंग इज गोइंग टूवर्ड्स वन जेनरा ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन हर स्ट्रेन का कहां कहां पे कैसे कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट यू कैन सी विद दिस दीज डेंडोग्राम्स। ये हर किसी को ग्रुपिंग कर रहे हैं कि कौन सी चीज किसके साथ कैसे ग्रुप में जा रही है। बेसिकली आपके पास दो मेजर ग्रुप ऊपर से बन रहे हैं, दो को स्पेसिफाई करें तो चार, चार से आगे फिर वो जो दो चार, फिर आगे आठ, फिर 16, 32, इस तरीके से काम चलता रहता है। सो इट्स अप टू यू, आप कितने लेवल पे आगे जाना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो शो योर प्रेजेंस एब्सेंट मैट्रिक्स का ओवरव्यू। सिंपली आप यहां से पूरे के पूरी फिगर डाउनलोड कर सकते हैं इफ यू वांट, और अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से इसे डाउनलोड करके चलाएंगे। बट दिस इज रेडी टू पब्लिश ग्राफ अगेन। तीन ग्राफ हो गए आपके। देन अच्छा, आपने वेन डायग्राम बड़े देखे होंगे। वेन डायग्राम का पता ना क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसी चीज जो वेन डायग्राम से ऊपर चल रही है आजकल, नया चार्ट टाइप है, इसका नाम है अपसेट डायग्राम। अपसेट, ये वेन डायग्राम जो है वो बड़ी रिटंडेंट होती जा रही थी, तो लोगों ने बोला कि साइंटिस्ट होके वेन डायग्राम क्यों यूज कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू यू अनदर काइंड ऑफ डायग्राम। नाउ वी आर यूजिंग एक्सेसरी जीन्स। एक्सेसरी जीन्स कौन सी हैं? जी टर्म्स, टर्मिनोलॉजी अलर्ट,
एक होती है कोर जीनोम, एक होता है एक्सेसरी जीनोम। कोई बात नहीं, सर्च कर लें। एक्सेसरी जीनोम या एक्सेसरी जीन्स क्या होती है? यहां पे एक चीज मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट में, मैं दोबारा से दिखा देता हूं। 75, 71, 69, 75, 71, 69 वो वाली जीन्स, कोर जीन्स वो होती हैं जो बेसिक फंक्शनैलिटी यानी कि रहने सहने खाने पीने मोबाइल होने और सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। तो एक्सेसरी जीन्स क्या हुई? अच्छा चले, मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। एक इंसान के रहने सहने और खाने रहने सहने के लिए कौन सी, जिंदा रहने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? बेसिक नेसेसिटीज, फूड, फाइबर, शेल्टर, समथिंग लाइक दैट। ऐसे पानी हो गया, खाना हो गया, शेल्टर हो गया, ये रहने के लिए, ठीक है। लेकिन एक अच्छा रहने के लिए क्या है? अच्छा खाना, सर्वाइवल के लिए अच्छा जिम जाना, ठीक है, अपने आप को अपडेट रखना नॉलेज के साथ, लोगों की हेल्प करना, देयर आर मेनी क्वालिटीज। एक्सेसरी जीन्स आप यही कह लें कि बिल्कुल ऑक्सीजन भी है, वो जारी बात है, वो हमारी बेसिक क्वालिटी है, जारी बात है। तो अब जब आप एक अच्छे तरीके से रहते हैं तो आपके पास कई चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज के दौर में मोबाइल क्या है? एक्सेसरी है, ऐसे ही है ना। ना हो तो हम कैसे रह सकते हैं आसानी से? लेकिन एक्सेसरी होना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए मोबाइल जरूरी नहीं है, अच्छे तरीके से जिंदा रहने के लिए मोबाइल जरूरी है, टू कम्युनिकेट, ठीक है। और आजकल तो लोगों ने इसको सर्वाइवल की टूल भी बना लिया। मतलब आप किसी दूर दराज इलाके में चले गए हैं तो वहां पे आप घूम जाते हैं, आपके पास मोबाइल होगा, यू कैन एक्चुअली कॉल एन ऊबर, या आप किसी को कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं घर नहीं आ रहा, वरना पीछे एलानात हो रहे होते थे। पुराने जमाने में मोबाइल नहीं था होता, तो अगर आपको याद है जब हम बच्चे होते थे बिल्कुल ही, तो उस वक्त मस्जिदों में फौरन ऐलान हो जाता, फलां बच्चा गुम गया, इतनी उम्र थी, घर नहीं आया, ठीक है। सो वी वर यूजिंग दैट। आजकल क्या होता है, आप फोन करके पूछ लेते हैं, हाँ भी हमारा बेटा आपके घर है या कहीं फलां फुप्पो के घर तो नहीं है, ठीक है। अक्सर औकात फुप्पो के घर से मिल जाते हैं बच्चे, क्योंकि वहीं पे सो जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू मेक द यूज ऑफ एन एक्सेसरी। अब जीनोम में एक्सेसरी क्या हुआ? वो वाली चीज विच आर नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल, बट दोज आर असेंशियल फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क। फॉर एग्जाम्पल, मे बी दैट इज नेसेसरी फॉर सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन टू लिव इन वन कंडीशन, ठीक है। अब बेसिक फंक्शन के अलावा एक्सेसरी फंक्शन के लिए जो जीन्स हैं उनको हम ये बोलते हैं, विच मेक्स अ स्ट्रेन स्पेसिफिक एज वेल, ठीक है। जाहिर बात है, एक सुक्का सा बंदा मेरे जैसा और एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर खड़ा कर दे तो दोनों में फर्क तो है ना। तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो यही बनता है, जो जीन्स जिसमें नहीं है, जो इसको स्पेसिफिक बनाती है एज अ बॉडी बिल्डर, वो एक्सेसरी जीन्स होगी। तो उन्हीं एक्सेसरी जीन्स को हम यहाँ पे अपसेट चार्ट में शो करते हैं कि हर किसी के अंदर कौन कौन सी चीज किस तरीके से आती है, ठीक है। एंड देन यू कैन ऑल्सो डू अ काइंड ऑफ इंटरसेक्शन कि कितनी जीन्स किसमें अवेलेबल है, and how you can actually utilize this upset chart. It's up to you, आप किस तरीके से इसको read करते हैं. So I would recommend कि आप इसको upset chart को पढ़ना कैसे और कैसे deal करना है. You can go through here and you will have an idea कि upset chart कैसे होता है. और ये Venn diagram को असल में आप separate कर रहे होते हैं, ठीक है? So you can actually see that here. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप read out कर लेंगे. Basically ये accessory genome को show करने के लिए होता है. Right जी? Present substance matrix and then you have accessory genome and then you have this diagram. So you have like kind of four diagrams here. और अभी तक हमने पैन जीनोम का ओवरव्यू देखा है, सिर्फ पैन जीनोम का, ठीक है। अब चलते हैं कोर जीन्स पे। दीज आर ऑल कोर जीन्स 1385। यहां से आपको टोटल नंबर मिल गया कि 17 के 17 में कोर जीन्स कितनी है, इतनी है, ठीक है।
एंड इफ यू वॉन्ट टू नो द क्लस्टर्स के क्लस्टर्स कितने हैं, यू इट्स अप टू यू, आप डाउनलोड कर लें टेबल, क्लिक करें आपके पास पूरा टेबल आ जाएगा कोर जीन्स का, और ये वही टेबल है जो पेनारू ने आपको दिया था, ये वही टेबल है जो एनबीओ के अंदर भी आपके पास आना है, ठीक है? सो नथिंग इज डिफरेंट, सिर्फ ये है कि यहाँ पे एनालिसिस जरा इजी वे में आपको मिल रहा है, वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज कम है पीसी के, मैं उनके लिए ये सारा के सारा बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप क्लस्टर भी देख रहे हैं, क्लस्टर जो भी यहाँ पे आएगा इसका मतलब वो 17 के 17 जीनोम्स के अंदर अवेलेबल है बिकॉज ऑफ कोर जीनोम, कोर जीन्स, ठीक है? Then we go to our dispensable genes. These are dispensable genes which are 1426, यानी कि 1426. आप ये वाला cluster देखेंगे तो they might be available in different strains. यानी कि जो सभी में ना हो लेकिन कुछ में हो. So dispensable genes are those genes which are available not in all genomes, but in few or some of the genomes. ठीक है, मतलब ये अगर क्लस्टर नंबर दिस, वी सी के 3 नंबर क्लस्टर 6 स्ट्रेन्स में अवेलेबल है, ठीक है? क्लस्टर नंबर दिस इज अवेलेबल इन 4 स्ट्रेन्स, 12 स्ट्रेन्स, एंड यू विल सी गो एन ऑन गो ऑन, आप देखेंगे 1426 17 से कम जीनोम में अवेलेबल होगा, मतलब एक क्लस्टर ज्यादा से ज्यादा 16 जीनोम्स में अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है? समझ आ गई बात की? एंड कोर जीनोम ऑब्वियसली यहाँ पे वो कॉलम ही नहीं डाला, इसका मतलब ये है कि सभी में अवेलेबल है, डिस्पेंसिबल 17 से कम में अवेलेबल, स्ट्रेन स्पेसिफिक, ये हर एक स्ट्रेन यानी कि जीनोम में सेपरेटली अवेलेबल है, एक क्लस्टर सिर्फ एक स्ट्रेन में होगा। सो आपके पास 3 कैटेगरीज की समझ आ गई, कोर जीनोम, डिस्पेंसिबल जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड देन स्ट्रेन स्पेसिफिक। समझ आ गई बात की इसकी? ये 3 चीजें कौन कौन सी है? अब यही मेन 3 चीजें होती हैं इफ यू आर गोइंग टू रन अ काइंड ऑफ पैन जीनोम, और अगर आपके पास ये आ जाए आप यहां से हर स्ट्रेन का स्पेसिफिक जीन्स देख सकते हैं। कितना क्लियरली यहां पे इस टूल को बनाया गया है कि आप जिस स्ट्रेन पे क्लिक करेंगे उसके आपके पास स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स आ जाएंगी और नंबर भी आ जाएगा। याद करें आपके पास नंबर ऑफ जीन्स जो हैं हर किसी के डिफरेंट है, ठीक है? आप यहां पे देख सकते हैं एंड देन यू कैन डाउनलोड द टेबल। तो हर किसी के पास आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, यू कैन सी दैट, और आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने हर स्ट्रेन पे क्लिक करना होगा, देन यू हैव टू सी। फिर हम चलते हैं कॉक कैटेगरी, इसी वजह से मैंने आपको पढ़ाया था क्लस्टर ऑफ ऑर्थोलॉगस जीन्स। ये प्लॉट बनाते बनाते आपको अक्सर औकात काफी डेटाबेसिस को डाउनलोड करना पड़ता है, आपको काफी कोड रन करने पड़ते हैं। मजे की बात चेक करें, सिर्फ आप परसेंटेज का प्लॉट बनाना है तो यहाँ पे देख लें कि किस में कितने परसेंट कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होगा। 17 जीनोम में से नंबर 1 जीनोम ये वाला कितनी कैटेगरीज को शो कर रहा है, मतलब ये पर्पल ज्यादा, इसका मतलब सबसे ज्यादा जीन्स इन सभी में आर कैटेगरी की है। समझ आई बात की? एंड नाउ वी विल गो टू विकी। आर क्या है? ऑब्वियसली जनरल फंक्शन, फंक्शनल प्रेडिक्शन ओनली, ठीक है? ऑब्वियसली सभी में यही होने, जनरली जो हमने प्रेडिक्ट किए हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकियों में किसकी परसेंटेज ज्यादा है, यहाँ पे 429, 510, 501, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। चलें इसका एक और तरीका करते हैं। प्लॉटली यूज किया आपने? नहीं किया तो आपको बता देता हूं, अगर आप इन पे क्लिक करते जाएंगे ना, जिसको आपने रखना है उसके नंबर आपके पास आ जाएगा। ये जो मैं क्लिक करता जा रहा हूं उससे वो रिमूव होते जा रहे हैं बाकी। सो यू कैन ऐड और रिमूव द स्पेसिफिक क्लास एंड देन यू कैन मेक के कितनी जीन्स इस स्पेसिफिक क्लास से रिलेटेड है। अगर आपका पूरे का पूरा पेपर इज बेस्ड ऑन क्लास जे, तो आप क्या करें, सिर्फ जे क्लास को यहां पे रख लें। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं बाकियों को रिमूव करता हूं, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ पावर आई नो दैट, लेकिन मैं सिर्फ सभी को रिमूव करके जे क्लास रख ली। अब ये मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन 441, 448, 463 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ मेरे पास परसेंटेज आ गई, ठीक है? नंबर यहां पे है, ये 100% है। अगर मुझे चाहिए काउंट, काउंट पे मैं क्लिक करता हूं, ये मेरे पास काउंट आ गया हर नंबर ऑफ कैटेगरी के अंदर जितनी जीन्स है। अब आप गौर करें, अब अगर मैं जे क्लास पे जाता हूं,
अब आपको साफ पता चल रहा होगा किसमें कम है किसमें ज्यादा है। ऑब्वियसली आपको ये इसको अगर आप फुल स्क्रीन में लेके जाएं तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, लाइक दिस, सो यू कैन हैव एन आइडिया। ठीक है, सो इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने करना क्या है। तो यहां से आप कोक फंक्शनल कैटेगरी निकाल सकते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोक कैटेगरीज परसेंटेज के हिसाब से है, एंड देन काउंट के हिसाब से। आई वुड रिकमेंड कि काउंट के हिसाब से आप रखें कि किसमें कितनी जीन्स कितनी है, या परसेंटेज के हिसाब से भी रखना है, इट्स अप टू यू, बट एट द एंड यू हैव टू डिसाइड। सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट के कौन सा जीन फंक्शन या कितना फंक्शन एक चीज परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये 1901 और DY, ये दो स्ट्रेन में अगर फर्क देखना है तो यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 2601 है, ये 2461 है, मतलब जनरल फंक्शन जीन इसमें ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि पी कैटेगरी में 2006 और 1902 है, 2006 ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके अंदर पी कैटेगरी ज्यादा है, विच इज रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक आयन ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। सो मैं ये हाइपोथेसिस लगा सकता हूं कि स्ट्रेन नंबर 2 या जीनोम नंबर 2 इज मोर एफिशिएंट इन परमीएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, किसके अंदर इनऑर्गेनिक आयन की ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रही है। समझ रहे हैं बात को? सो दीज आर द हाइपोथेसिस विच यू हैव टू क्रिएट आफ्टरवर्ड्स। और आपको फिर पेपर ढूंढना पड़ते हैं क्या स्ट्रेप्टोकोकस की ये स्ट्रेन के अंदर परमीएबिलिटी या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या मेम्ब्रेन के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का आना जाना लिखा गया है। अगर लिखा गया है, होपफुली हो सकता है कि ये स्ट्रेन रिलेटेड हो फ्लडिंग कंडीशन से आइसोलेट किया हो या ड्राउट कंडीशन से। सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड। ठीक है, और अक्सर औकात आप इन्वायरमेंट के बेस पे भी सारे के सारे पैन जीनोम को सेपरेट करते हैं, एंड यू सी अगर कोई स्ट्रेन गर्मी में रहती है उनमें क्या फर्क है, सर्दी में रहती है उनमें क्या फर्क है। सो इट्स अप टू यू। कोक कैटेगरीज आपको एक मेजर आइडिया दे देती है, एंड देन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी क्या है, दिस इज हाउ यू कैन वर्क। इन्फॉर्मेशन एंड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ये सारी की सारी कैटेगरीज आती हैं इन्फॉर्मेशन एंड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग में। फिर सेलुलर प्रोसेसिंग एंड सिग्नलिंग में ये वाली कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर ये वाली आती हैं, और पुअरली करेक्टराइज्ड ये दो हैं, जनरल फंक्शन और एस एस यानी डोमेन ऑफ अननोन फंक्शन। तो आपके पास ये तीन मेजर कैटेगरी हैं, एक है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, एक आपके सेलुलर प्रोसेसेस की, तीसरी मेटाबॉलिज्म की। और ये तीन कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं फॉर फंक्शनल एनरिचमेंट एनालिसिस। अगर आप कभी भी कहीं पे देखें तो एक कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग की, दूसरी होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म की, तीसरी होती है मेटाबॉलिक पाथवेज की। ये तीन कैटेगरीज बड़ी मेजर गिनी जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, विच इज दिस वन, क्योंकि ये प्रोसेसेस होते हैं जो एक जीन को स्पेसिफिक बनाते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, बट इट्स अप टू योर नॉलेज आप किस तरीके से इनको क्लासिफाई करते हैं। अगर आपके पास ये टेबल आ जाए इसका, कॉक कैटेगरीज का, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल व्हेन यू रन डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस, तो कॉक कैटेगरी की बेस पे आप पूरे का पूरा खुद से एनालिसिस भी कर सकते हैं कि विच जीन्स वी नीड एक्चुअली। ठीक है, बहरहाल ये इन्होंने ऑलरेडी आपको पूरे का पूरा ग्राफ बना दिया, दैट्स मोर देन इनफ, यू कैन शो दिस, और ये यहाँ पे हो जाए के कैटेगरीज को ला के आप लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेटा डेटा पे चलें तो हर स्ट्रेन का स्पेसिफिक मेटा डेटा भी दिया होता है, कंट्री कहाँ से है, कॉन्टिनेंट कहाँ से है, एंड दीज थिंग्स शो के क्या कंट्री का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। सो यू कैन हैव एन आइडिया स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे आप देखें कि ऑर्गेनिज्म, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, इसकी बेस पे भी जीन्स को आप क्लस्टर कर सकते हैं। यानी कि अगर कंट्री इसकी बात की जाए तो ये डिफरेंट कंट्री है, ऑरेंज वाला, ब्लैक डिफरेंट है, लाइट डिफरेंट है, लाइट ऑरेंज डिफरेंट है, पिंक डिफरेंट है। सो ये जीन्स या ये वाली जीनोम्स जो है फ्लां कंट्री से आए, सो कंट्री वाइज भी आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करके क्लस्टर कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप जितने हाइपोथेसिस बनाना चाहें बना सकते हैं, बट दे शुड मेक सेंस। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप गौर करें, मेरे पास टोटल 17 एंट्रीज हैं, तो मैं 25 के इक्वल कर लेता हूँ। ये सारे के सारे कंट्रीज हैं, यूएसए, लिबनान, मलावी, यूएसए, नेदरलैंड एंड यूएसए। एंड ऑब्वियसली अगर सबसे ज्यादा पैन जीनोम अगर आप देखें यहाँ पे, तो कंट्री आपका जो है वो नेदरलैंड ज्यादा होगा यहाँ। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस, इस पे क्लिक करेंगे तो कंट्री वाइज सारे के सारे जीनोम का मैट्रिक्स सॉर्ट हो जाएगा, नेदरलैंड वाले ऊपर आ गए, दूसरे नीचे, उससे तीसरे नीचे, सो एंड सो फॉर्थ। इससे क्या होगा, आप कंट्री वाइज स्टडी को बता सकते हैं, दैट मेक्स द डेटा साइंस या बायोइनफॉर्मेटिक्स ऑब्वियस फॉर मेनी रीजन, कि आप एक ही डेटा से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं इफ यू नो हाउ टू राइट योर हाइपोथेसिस। अगर अब आप एक आइडिया पकड़ें कि यार हमने बैक्टेरियोजेनस फ्रेजिलिस को कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है कि किस कंट्री का बैक्टेरियोजेनस फ्रेजिलिस किस खसूसियात का हामिल है, यू कैन डू दैट।
अगर आप ये कहें कि नहीं हमने सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस को देखना है, इट्स ऑलरेडी बीन डन हियर. सो ये वो नॉलेज डेटाबेस होता है जो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. अगर कंट्री के अलावा भी आपके पास कोई मेटा डेटा है, यानी कि कितने टेम्परेचर से आइसोलेट किया गया, कहाँ से आइसोलेट किया गया, मैं कहता हूँ लेवल हो जाएगी वो, एंड देन यू कैन एक्चुअली मेक बायोइनफॉर्मेटिक्स प्लस मेटा एनालिसिस इन वन पेपर विच कैन गो मोर देन 10 इम्पैक्ट फैक्टर इजिली. बट जारी बात है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. ओके, ये अभी तक जिसपे हम बात कर रहे थे ना, दिस वॉज ओनली an overview of pangenome. Abhi hum specific nahi hue, and we already have a lot of data which we can publish in paper. But let's see, search pe jaate hain. Search pe jaane ke baad aap koi bhi strain yahan se select karein, do ya teen, submit kar dete hain, to aapke paas sirf in do ya teen strains ke jo clusters hain unke bare mein information aana start ho jayegi, and then you can see the genome table here. अगर आपके पास, मैं यहाँ पे मल्टीपल जीनोम्स को यहाँ पे इकट्ठा करता हूं, लेट्स सी, ये आप चेक करें, हमने सर्च किया, हमने यहाँ पे जो ओवरव्यू ले रहे थे ना, ओवरव्यू के अंदर सर्च में आप स्पेसिफिक स्ट्रेन्स को कंपेयर कर सकते हैं कि यार मैंने 17 की 17 को नहीं करना, मैंने सिर्फ 2 को करना. So you can give those 2 strains और उनके बारे में information आपके पास आ जाएगी. 2 genome की बात हो रही है, ठीक है, 4 करने 4 की आ जाएगी, 8 करने 8 की, 17 करने 17 की. Then you can download the table. आपके पास number of genes cluster specific present in this subset, subset के specific उसके gene cluster भी आ जाने, and so on so forth. अगर आप चाहें कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतने genome select करने, you can select these genomes और इनका data आपके पास आ जाएगा pan genome का. And if there is nothing there, you can't see anything there. ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इतनों को select करता, then I will see the data about them. तो ये बेसिकली आपका कोर जीनोम आप सिलेक्ट करने के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 17 जीनोम दिए थे, इस वजह से हमारे पास कोर डेटा 17 का है. खैर, ये सेकंड हमारे पास है अगर आप 3 जीनोम्स को पकड़ के कंपेयर करना चाहते हैं. यूजुअली पैन जीनोम में ये भी होता है, सिर्फ 3 जीनोम आप यहाँ पे दें, उनका क्लस्टर और यहाँ पे क्लस्टर नंबर दें, तो वो यहाँ पे कलर होके आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्लस्टर नंबर लेके आता हूँ, कोर से नहीं, मैं डिस्पेंसिबल से लेता हूँ क्लस्टर नंबर, ये वाला मैं कॉपी करता हूँ, और ये 6 नंबर ऑफ स्ट्रेन्स में फाउंड किया गया. लेट्स सी, मुझे नहीं पता कौन कौन सी हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं, यहां से एक क्लस्टर पकड़ते हैं कोर जीन से, नहीं डिस्पेंसिबल से, जो 12 में है, ये वाला क्लस्टर. सो हमारे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी सर्च करने की सेंटनी को. मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली सिलेक्ट करता हूँ, और ये वाली, यहाँ पे मैं क्लस्टर देता हूँ, चेक करें. तो ये आपके पास हाइव प्लॉट बनता है, विच शोज के कहां पे किस जीनोम के अंदर कितनी स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो मिलती हैं, कौन सी जीन्स इसमें नहीं मिलती, ठीक है, और उनकी फिजिकल लोकेशन भी यहाँ पे आती है. बाय द वे, हाइव प्लॉट के बारे में अगर ज्यादा पढ़ना है, यान यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया फ्रॉम हियर. और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की जो स्ट्रेन नेम है उनको भी, एंड देन यू कैन हैव आइडिया कि किस तरीके से आप इसको प्रिंट करवाएंगे. अदर देन दैट, हाइव प्लॉट के बिना भी आप यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका पैन जीनोम कैसा नजर आता है, और कौन कौन सी जीन्स एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, कौन सी थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे जा रही हैं, राइट साइड पे जा रही हैं. दिस इज मोस्टली यूजफुल व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ काइंड ऑफ पैन जीनोम फॉर मोर देन 2 स्ट्रेन्स, और आपके पास डेटा इस तरीके से क्लस्टर हो जाता है. तो हमने क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर नंबर 12 दिया है, और आपको पता है कि ये 3 की 3 स्ट्रेन्स है हमारे पास, इन तीनों स्ट्रेन्स के अंदर ये किस तरीके से क्लस्टर आ रहा है, यू कैन सी द पोजीशन हियर इन ईच जीनोम, ठीक है. तो जीन की थोड़ी सी पोजीशन भी चेंज हो सकती है इन डिफरेंट जीनोम्स, एंड दिस इज मोस्टली यूज्ड टू सी कि तीन जीनोम्स के अंदर आप किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं डेटा को. यूजली लोग इसको यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्लॉट, कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्लॉट, बट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं बेसिकली कंट्रोल के साथ स्क्रोल करके भी कि कहाँ पे कौन सी जीन अवेलेबल है और किस तरीके से क्लस्टर बन गए. आप चेक करें कि इस जीनोम के अंदर अगर देखें
तो इसकी पोजीशन डिफरेंट है, इसमें पोजीशन डिफरेंट है, इसमें पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। सो यू कैन हैव एन आइडिया कि तीनों के अंदर पोजीशन कहाँ पे जा रही है, कौन सी जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, एंड देन यू कैन रियली कंपेयर दीज थ्री थिंग्स। और बाय द वे ये जो मॉयवे व्यूवर है ना यहाँ पे, ये बेटा के अंदर है, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको फाइनल पब्लिकेशन में ना यूज करें, हाइव प्लॉट को और इसको। बहरहाल दिस इज समथिंग दे आर प्लानिंग बिग। आप क्लस्टर का नाम लिखेंगे यहाँ पे और उस क्लस्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फौरन, ठीक है। लाइक दिस वन, अगर मैं इसको 17 नंबर क्लस्टर देता हूँ सिंथनी को, तो मेरे पास जो डेटा है वो 17 नंबर क्लस्टर का आ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन शो ईच क्लस्टर वन बाय वन एंड देन कैन हैव एन आइडिया कि कहाँ पे किसके अंदर कौन सी जीन अवेलेबल है और किस पोजिशन पे अवेलेबल है, क्योंकि सेम जेनरा है, सेम स्ट्रेन भी हो सकती है, सेम स्पीशीज भी हो सकती है, सो समटाइम्स आपके पास सेम जीन्स एक ही जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन आप सिर्फ क्लस्टर नंबर दें, सबमिट करें, वो कहते हैं कि एक जीन या क्लस्टर नंबर दें, नॉट। हम क्या करने वाले हैं फिर, लेट्स सी, यहाँ पे आपको क्लस्टर के अंदर जितनी जीन्स हैं 18 के 18 उनका नाम, जिन स्ट्रेन्स के अंदर है उनका नाम, डिस्पेंसिबल कहाँ कहाँ पे उनका नाम। लुक, जीन्स में मैंने क्लिक किया, ये जीन्स हैं जी इस क्लस्टर में 12 नंबर क्लस्टर पे, ये चेक करें तो मेरे पास क्या है, आप जीन्स का नाम क्लस्टर के बेस पे, क्योंकि हमें ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि क्लस्टर में जीन्स कौन कौन सी जेनेटिक लेवल पे। अच्छा, यही नहीं, सीक्वेंस भी, हर एक 12 की 12 स्ट्रेन के अंदर कौन सी सीक्वेंस है उस जीन की, वो भी नहीं, फाइलोजेनेटिक, क्या हाल है, मतलब फाइलोजेनेटिक ट्री रेडियल बनाना है रेडियल भी, लीनियर बनाना है लीनियर भी, आपके सामने आइए, ये 17 की 17 के अंदर फाइलोजेनेटिक ट्री बेस्ड ऑन दैट क्लस्टर, यू कैन ऑल्सो सी दैट। ये बेसिकली तीन एल्गोरिथम इसके अंदर यूज होते हैं, विच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टूडे, बट आई कैन शो यू कि जीन्स सीक्वेंस फाइलोजेनी एंड देन आपके पास एस एन पीज, एस एन पीज, या इसको एक और लफज बोला जाता है अगर आपको याद हो, स्निप्स करके कुछ सुना कभी, ठीक, अच्छी बात है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि देर आर मेनी थिंग्स अबाउट माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स विच यू शुड लर्न बाय योरसेल्फ। तो ये की लाइट्स हैं, की हाई टर्म्स हैं, आप इसको लिख लिया करें। देन हमारे पास साइटोस्केप का सॉफ्टवेयर इसी के अंदर एम्बेडेड होके आपको एक नेटवर्क बना के दिखाता है, ठीक है। सो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये जो साइटोस्केप है ये बेसिकली आपको डिफरेंट किस्म के जीन्स की बेस पे यहाँ पे एक नेटवर्क बना के दिखाएगा, विच यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि ये नेटवर्क क्या शो करता है, ठीक है। और इट टेक सम टाइम्स, और समटाइम्स ये काम नहीं करता बिकॉज ऑफ द थिंग जो मैंने आपको पहले बताई कि ये डिपेंड करता है कि ये सॉफ्टवेयर कितनी देर तक ये इसे इम्प्रूव करते रहते हैं। बाय द वे, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द क्लस्टर्स इन अ जीन, आप यह जीन नेम भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जीन नेम भी दे सकते हैं। मैम फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे इफ आई कैन फाइंड, यस, ग्लिन क्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जीन, मैं यहाँ पे इस जीन का नाम लिखता हूँ, सबमिट करवाता हूँ, इट विल शो मी के कितने ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीन मौजूद है, अगर नहीं होगी इट वॉन्ट शो एनीथिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड बेस्ड ऑन द जीन नेम्स एज वेल कि ये जीन अवेलेबल है या नहीं। कितनी ब्यूटी है बैन जीनोम के अंदर कि आप 17 जीनोम में से देख रहे हैं कि इसके अंदर फ्लान जीन अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी दोबारा से, सॉरी, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लस्टर 1, 2, 3, 12 ऐड करता हूँ, लेट मी सी, 12 था या 2 थे 0, लेट मी सी, 2-0 थे आई थिंक सो, ओके। यहां पे आप चेक करें ये जीन है, मैं यहां से स्पेसिफिक जीन नेम ढूंढ रहा हूं जो सभी में अवेलेबल हो। GlynQ2 probability है ये available होगा, otherwise we have to tell them कि तोड़ा जड़ा algorithm है सही नहीं चल रहा।
No, it's not showing anything. So there is something wrong yet. Ye to cluster name hai. AG. This is the genome name. Zero, zero, 12. Cluster genes. This one is the gene name. Isko put karke dekhte. Yes. Ab theek hai. To aapne basically ये अब उसको क्लस्टर दिखा रहा है जीन की बेस पे उसको क्लस्टर किया हुआ था खैर जीन नेम जो है इस फॉर्मेट में देना है इट्स इट वुड बी बेटर कि अगर हम यहाँ पे जीन नेम अपने तरीके से नेम के हिसाब से दे सकें बहरहाल आप इसको दे सकते हैं जीन नेम भी और वो आपको उठा के बता देगा कि कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है जीन ठीक है एंड दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस नेक्स्ट चलते हैं जीन सर्च पे अब सिर्फ यही नहीं आप यहाँ पे कोई भी जीन का नाम लिखेंगे या लोकस टैग देंगे या कीवर्ड देंगे इट विल शो यू दैट जीन प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे यस ग्लिन क्यू सिंपली ये आपके सामने ग्लिन क्यू आ गई है कि कितनी स्ट्रेन्स में अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पे है 19 जीन्स फाउंड नो क्लस्टर के अंदर ग्लिन क्यू अवेलेबल है एंड दिस इज हाउ यू कैन गो जीन बाय जीन मतलब एक एक जीन की बेस पे आप जा सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीशन फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रिशिया कोलाई है इस तरीके से उसका पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं और कीवर्ड भी दे सकते हैं लोकस टैग भी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप आपके पास स्पेसिफिक लोकस टैग है फॉर ईच जीन आप वो भी दे सकते हैं देन नेम भी एंड दैट्स द ब्यूटी आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग देन यू कैन डाउनलोड द टेबल के कहां कहां पे ये अवेलेबल है सो अगर आपके पास लिस्ट ऑफ जीन्स अवेलेबल हो विच शोज के दीज जीन्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ड्राउट स्ट्रेस टॉलरेंस इन बैक्टीरिया या दीज जीन्स आर actually in the toxin formation from some bacteria aap unki list banaye aap pure ke pure genomic context ke andar pan genome ke andar found kar sakte hain ki kiske andar available hai based on that you can say ki ye jo hai bacteria ye toxic hai flam bacteria toxic nahi that is matlab search karna koi badi baat nahi hai sochna badi baat hai ki kyun search karna theek hai and then at the end circles to aapne bade dekhe honge agar nahi dekhe तो हर असेंबली का आप सर्कस बना सकते हैं एंड दिस इज सर्कस और ये सर्कस आपको क्या दिखाता है आप यहां पे इसको पढ़ सकते हैं जीन्स कोर जीन्स स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन जीसी कंटेंट और ये आपको हर एक जीनोम का बन के आ रहा है उसका साइज भी आ रहा है मतलब क्या है ये यहां से चला है जीनोम पूरा घूम के 2 MB तक गया है मतलब 2.5 MB का पूरा इसका साइज है असेंबली का साइज बता दिया कोर जीन्स बता दिया उन्होंने और देन इट इज आल्सो शोइंग कि आपकी कोर जीन्स कितनी है स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स कितनी है जीसी कंटेंट कितना है और हर किस्म का मेटाबॉलिज्म जो हमने पहले पढ़ा था ठीक है सो एवरीथिंग इज वन डायग्राम इन वन डायग्राम और आप यहाँ पे अगर जाएं तो आप पर डायग्राम इसको चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज जो है वो चल रही है और अगर आप किसी जीन पे क्लिक करते हैं देन इट विल शो द NCBI ऑफ दैट स्पेसिफिक जीन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मुझे पता नहीं है कि ये वाली जीन कौन सी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली वो मुझे NCBI के ऊपर ले जाएगा कि ये जीन है इसका ये फंक्शन है ये सीक्वेंस एवरीथिंग इज देयर और आप चेक करें कि जेनेटिक लेवल पे अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए तो व्हाट एल्स यू नीड मतलब एक पैन जीनोम आपको पूरे का पूरा नॉलेज फ्राहम कर रहा है सो दिस वॉज सर्कस फॉर 1 strain 2 strain 3 strain इट्स अप टू यू देन क्लिंकर जिसे बनाना साइंटिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल होती है आर के अंदर जाके प्रिंट करके और सारा कुछ बनाना जस्ट इमेजिन ये क्लस्टर नंबर अगर मैं यहाँ पे दूं कोई मैं यहाँ पे 12 ही दूंगा दोबारा से और यहाँ पे 4 जीनोम्स मैं लिखता हूँ कि इनके अंदर प्रेजेंट करो एंड यू विल सी क्लिंकर ये आपके पास इस तरीके से डायग्राम आ जाती है विच शोज कि आपका ये क्लस्टर जो है वो किस तरीके से डिफरेंट जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन डिफरेंट स्ट्रेन्स ठीक है तो आपने जितने जीनोम सेलेक्ट किए हैं 1 2 3 4 उनकी बेस पे ये 4 जीनोम मैंने सेलेक्ट किए और ये जो मेरे पास क्लस्टर 12 है ये किस तरीके से वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वही चीज है जो हमने यहाँ पे सर्च और सिंटनी के अंदर देखी थी ठीक है
And I mean, I know that you need a lot of time to learn these things, but it's easier. Just aapne ChatGPT ko batana ki kaise read karna hai. Then you can also modify the parameters for this font size, height, and something like that. तो आपका पैन जीनोम बनाने में जितना टाइम लगना था हमने बना हुआ देखा, उसको समझा. अब हमें समझ आ रहा है कि पैन जीनोम क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, और कौन सी डायग्राम्स हमें चाहिए, राइट क्या नहीं राइट. मतलब स्टार्ट करना है हमने ओवरव्यू से. ओवरव्यू में हमें पैन जीनोम का बताना है क्या क्या अवेलेबल है, मैट्रिक्स बनाना है, हीट मैप बनाना है, अपसेट चार्ट बना लिया. देन कोर जीन्स को देखना है, डिस्पेंसिबल जीन्स को, स्ट्रेन स्पेसिफिक जीन्स को, उनके नंबर और टेबल हम दे देंगे, सारे के सारे टेबल प्रोवाइड कर देंगे. देन वी कैन प्रोवाइड कॉक कैटेगरीज के कौन सी जीन किस फंक्शन को परफॉर्म कर रही है. देन गो टू सर्च और अपना स्पेसिफिक जीनोम के अंदर आप फाइंड आउट कर लें कि कितनी जीन्स अवेलेबल है. देन क्लस्टर्स पे चले जाएं एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि एक क्लस्टर के अंदर कितनी जीन्स अवेलेबल है और कितनी स्ट्रेन्स के अंदर अवेलेबल है. जीन सर्च कर सकते हैं, सर्कोस आप सभी को शो करवा दें. And you can also use Clinker at the end. तो ये इस तरीके से आप पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं. This is very simple. If you want to work on your own genome, आप डॉक पे क्लिक करें. अगर मैं यहाँ पे डॉक पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे बता रहा है कि कैसे आप अपने जीनोम्स के ऊपर बना सकते हैं. और यहाँ पे इन्होंने जो जो चीजें यूज की हैं, पी गैप यूज किया है. इसको जानते हैं ये क्या चीज है, मैंने आपको बताई भी थी. रोरी से इन्होंने एनालिसिस किया सारा, ठीक है. एंड देन पानाकोटा यूज किया इन्होंने, एंड देन पी गैप यूज किया. ये तीन सॉफ्टवेयर इन्होंने यूज किए हैं. एंड देन नो, और आप अपनी मर्जी से इन तीनों में से एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है, वर्क फ्लो में. एंड देन यू विल हैव एन आइडिया कि किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है. इन्होंने ये भी बताया कि आप डेटाबेस से किस तरीके से लिस्ट ऑफ अवेलेबल जीनोम्स जेनबैंक के ले सकते हैं, एंड हाउ यू कैन ऐड दोस जीनोम इनसाइड ऑर्गेनिज्म, और कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, एंड एट द एंड आपके पास पूरे का पूरा पैन जीनोम बन जाएगा. सिर्फ आप इसको पढ़ लें, यू कैन अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, ठीक है. अब मैं आपको दिखाने लगा पैन जीनोम कैसे अपने डाल लें. यहां पर आना है आपने, इम्पोर्ट जीनोम पे क्लिक किया. सॉरी, यहां पे आपने आना है प्रोजेक्ट नेम. मैं यहां पे देता हूं फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोलिस, ठीक है. यहां पे आपने पब्लिक जीनोम्स का नंबर दे देना है, जीन बैंक एक्सेशन नंबर कहां से मिलना है. आई एम गोइंग टू शो यू दैट. एनसीबीआई पे जाएं. एनसीबीआई पे जाने के बाद यहां पे मैं लिखता हूं बैक्टीरियोलिस, बल्कि इन्होंने लेट मी सी डॉक के अंदर भी बताया हुआ है. डॉक के अंदर यहां पे आपने क्या करना है, अपना जीनोम लिया. ये वाली जो लिस्ट है जीसीए से जो स्टार्ट होती है वो कहां से लेनी है. उन्होंने बोला कि आप यहां पे जाएं, ठीक है, एनसीबीआई जीनोम्स के ऊपर, वहां पे अपने जीनोम का नाम लिखें लाइक दिस. मैं यहां पे बैक्टीरियोलिस लिख रहा हूं, लिख दिया मैंने. अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे नाम लिखा और यहाँ पे आपने फिल्टर लगा देना एनोटेटेड का, फिर आपने क्रोमोसोम लेवल और कंप्लीट लेवल, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द डाउनलोड टेबल और वहां से ये वाले सारे जीसीए नंबर उठाने हैं. मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूं, जो हमने बड़ी दफा भी किया, आपको पता ही है. टेक्सोनोमिक ब्राउजर में गए हम. टेक्सोनोमिक ब्राउजर में जाने के बाद मैं छोटे वाले जीनोम लेता हूँ जिनके अंदर कुछ ज्यादा जीनोम नहीं है. ये वाला बैक्टीरियोलिस सिक्योमेरिस मैंने ले लिया, 74 जीनोम है इस पे गया. जीनोम पे जाने के बाद मैं फिल्टर में जाता हूँ. फिल्टर में जाने के बाद क्रोमोसोम लेवल तक जितने मेरे जीनोम है उनको देखता हूँ, वो तीन है, ठीक है, तीन है मेरे पास जीनोम. अब या तो मैं यहाँ पे तीनों पे क्लिक करके टेबल को डाउनलोड कर लूँ, या मैं यहीं से ये वाले जो जीसीए नंबर है ना जेनबैंक के, ये चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इन्हें मैं कॉपी कर लूँ. मेरी बेहतरीन तरीका ये, मैं इसको कॉपी करके अब यहां पे ऐड करता जाऊं, 1, स्पेस नहीं डालनी, बिलीव मी इट कैन सेव यू टन्स ऑफ टाइम, वरना ये एरर ऐसी है जो जल्दी रिमूव नहीं होती. स्पेस डालेंगे तो वो अगले जीनोम के एक्सेशन में आ जाएगी चीज, स्पेस नहीं डालनी. लो जनाब, मैंने जेनबैंक के तीन एक्सेशन दे दिया. अब यहां पे
आप अपने प्राइवेट जीनोम जो आपने असेंबल किए हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करने, मेरे पास जो तीन है मैंने लाइव भी उनको देखा और मैंने क्रोमोसोम और कंप्लीट लेवल के जो मेरे पास टेबल है उनको डाल दिया। उन्होंने बोला है कि नई चीज ये है कि हम ड्राफ्ट जीनोम्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम और कंप्लीट नहीं है उनको भी आप ला सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज कर देता हूँ, वी आर वर्किंग ऑन दिस CAE CIMURIS. अच्छा, मेरे पास कोई प्राइवेट जीनोम नहीं है, सो आई एम गोइंग लाइक दैट। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, कोई भी ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर विच यू वॉन्ट टू यूज। पैनाकोटा इज न्यूएस्ट एंड फास्टर, इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज द न्यूएस्ट एंड फास्टर सॉफ्टवेयर। ये क्यों जरूरी है, वजह बताता हूँ। जब आप मटेरियल एंड मेथड्स लिखते हैं ना, एट दैट पॉइंट यू हैव टू राइट कि आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया। तो अगर आप ब्लैंक है तो तुम्हें पता ही नहीं होना क्या हुआ है। डोंट बी ब्लैंक। मैं पैनाकोटा का यूज करता हूँ, एंड देन जहां पे उसने बताया ना कि यहां से आपने यूज करना है पैनाकोटा या फलाना, ये मैं इसके पेपर पे जाके यहां से लूंगा मटेरियल एंड मेथड कि इसने कैसे यूज किया पैनाकोटा, या इनके जितने साइटेड पेपर है ना, जिन 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 ने इस पेपर को साइट किया है पैनाकोटा वाले को, उनके पेपर में जाऊंगा, ठीक है, साइटेड बाय अदर आर्टिकल्स। ये इतने लोगों ने पैनाकोटा को यूज किया, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करके इनका मटेरियल मेथड कॉपी कर सकता हूँ, मतलब उससे आइडिया ले सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपलोड किया, यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आइडेंटिटी जो है 1 से 100 तक आप रख सकते हैं, मैंने 80 रखी हुई है, आप 90 भी कर सकते हैं, सब टू यू के परसेंट आइडेंटिटी कितनी रखनी है, 95 भी रख सकते हैं। ये परसेंट आइडेंटिटी क्या है कि ब्लास्ट जब आप करते हैं ना, उसकी बेस पे आपके जीनोम को एक नाम दिया जाता है कि इसका नाम क्या है, ठीक है, उसकी बेस पे एनोटेशन होती है और फिर आपके पास सारी की सारी चीजें आती हैं। 80% इट्स फाइन, 90 भी आप रख सकते हैं, सो आई विल गो विद 80। यहाँ पे अपना अपना ईमेल आप ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे अपना ईमेल कौन सा दूँ, क्योंकि आवाम जो है ना बाद में ईमेल करने बैठ जाती है, when it will be going online. Yes, है मेरे पास ammar@codenix.com, ये मैंने ईमेल दे दिया। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड दैट्स इट। समझ आई बात की? ये अब चेक कर रहा है कि आपके कितने जीनोम्स आपने अपलोड किए, यहां से वो काउंट करेगा। मैंने अभी चलाया, एक उन्होंने कंफर्म कर दिया जी, मुबारक हो। बाद में क्या कहते हैं जी, डुप्लीकेट स्ट्रेन नेम है, बैक्टेरियोडिस रोमिस ऑलरेडी फाउंड, ऑलरेडी फाउंड, ये भी ऑलरेडी फाउंड, तो तीनों के तीनों सेम स्ट्रेन नेम है। समझ आई बात की? अब हमने क्या करना है, गलती समझ आ गई ना, अब हम दोबारा जाते हैं पीछे, यहां से अब मैं यहां पे लिखता हूं बैक्टीरियोडिस फ्रेजिलिस, ये भी आ गया मेरे पास, ठीक है, और अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, मेरे पास 72 आ गया। मैं कोशिश करूंगा तीनों डिफरेंट, पहले मैं ये वाला ले लेता हूं कॉपी, इंपोर्ट जीनोम, यहां पे मैं दोबारा से नाम लिखता हूं बैक्टीरियोडिस, यहां पे पेस्ट किया एक, यहां पे अब मैं दूसरा पेस्ट करता हूं, नहीं ये वाला नहीं करना, ये तीनों वही हो गए थे, बल्कि नहीं ये वाला चलेगा क्योंकि दिस इज बैक्टीरियोडिस फ्रेजिलिस, दो हो गए। मैं दोनों जो हैं वो रेफरेंस स्ट्रेन्स कर रहा हूं, ठीक है, एंड देन आई विल गो विद डिफरेंट स्ट्रेन नेम। ये देखें, ये होते हैं स्ट्रेन नेम, ठीक है, वो दोनों में सेम थे, I-48, ये मेरा FDA है, ये वाला मैं कर लेता हूँ, दिस इज डिफरेंट, स्ट्रेन नेम सेम नहीं होने चाहिए, एंड नाउ आई विल पुट दिस। ये मैंने तीन कर लिए, ईमेल मैं दोबारा देता हूँ, पैनाकोटा 80% चेक जेनबैंक, सेम स्ट्रेन नेम होगा तो फिर उसमें फर्क नहीं ना होगा, सारा कुछ तो सेम है उसमें, क्या ख्याल है? स्ट्रेन एक लास्ट स्टेज है ना टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की, जेनरा स्पीशी एंड देन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन सेम होंगे तो उसमें हम एक्सेसरी कहां से लेंगे, पैन जीनोम इसकी मेन चीज है। अब समझ आई? ये तीनों मैंने करके आपको दिखा दें, हमारे पास अपलोड हो गया, इट विल सेंड यू एन ईमेल जब ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 आवर और 2 आवर समथिंग लाइक दैट।
तीन चार जीनोम को एक घंटा भी नहीं लेता है, क्योंकि ये आपका सिस्टम नहीं यूज हो रहा. नाउ दे आर यूजिंग देयर सिस्टम टू गिव यू एन आइडिया कि क्या चलने वाला. एंड देन जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा और वो ईमेल आपको ईमेल में आएगा कि क्या करना है, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द थिंग. अब मुझे बताएं, इज इट डिफिकल्ट टू मेक अ पैन जीनोम आज के दिन? ऑब्वियसली एनवीओ ने सेम काम करके सेम प्लॉट आपको देने होते हैं एंड पे. ये बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे क्लस्टरिंग इस तरीके से हो रही है, वहां पे हमने हीट मैप सेपरेट बना दिया था. ऐसे ही है ना, हमने हीट मैप डिफरेंट तरीके से बनाया था. मतलब क्या, ये जो यहाँ पे आ रही है कोर जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स, ये हमने सेपरेट प्लॉट में डाल दी. ठीक है, ऐसे ही है. एंड देन इफ यू वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ क्लस्टरिंग हियर, तो ये वही क्लस्टरिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी हीट मैप की लेफ्ट साइड पे. यहाँ पे ये सर्कोस के अंदर है, कोई बड़ा मसला नहीं है. इट्स अप टू यू, आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर डाउनलोड कर लें. और एंड देन आई मीन दिस इज द प्लॉट जो आपने पहले बनाया हुआ है. ठीक है, प्रेजेंस एब्सेंस मैट्रिक्स का, कि किसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है. एट द एंड आप हर चीज को सर्कोस में जाके क्लिक करके वहां पे भी देख सकते हैं, सीक्वेंस वहां पे भी निकाल सकते हैं, जीन्स की, जीनोम की, अमीनो एसिड की, यहाँ पे भी. और यहाँ पे अगर गौर करें आप, तो आपके पास डिफरेंट किस्म की प्लॉट आ रहे हैं और ये आपको शो करते हैं कि सेम ही सर्कोस के फॉर्म में ही आ रहे हैं एनवीओ के अंदर, राइट. एंड अगर आप पैन जीनोम को समझते हैं ना, कोडिंग खुद से करना चाहते हो और आपका सिस्टम अच्छा है, मतलब 32 GB रैम से ज्यादा रैम है आपके सिस्टम के अंदर और प्रोसेसर कम अज कम हेक्सा कोर है, देन आप एनवीओ को भी ट्राई करें. सेम जीनोम पे दो जीनोम ले लें और एनवीओ की ये वाली जो मिनी वर्कशॉप है ना विब्रियो डिजिटा की, सेम चीजें रेप्लीकेट करते जाएं, सेम चीज कुछ इधर उधर का करें, सेम जो इन्होंने किया आप अपने जीनोम्स के साथ करते रहें, एंड एट द एंड यू विल हैव एन आईडिया. यहां पे आपको रेडीमेड सारा कुछ मिल रहा है. ठीक है, यहां पे उन्होंने लिंक भी दिया है और यहां पे आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएंगे. अभी तक नहीं आया ऑब्वियसली, क्योंकि उसने बोला है कि टाइम लगेगा. इट्स फाइन, मैं यहां से इसको बंद कर दूंगा एंड देन आई कैन वर्क. अब और क्या काम कर सकते हैं, बड़ा काम कैसे होता है? ये मेरे पास कितने जीनोम्स हैं जी, 72. मैं क्या करता हूं, बैक्टीरियोडिस फ्रिजेलिस को सिर्फ रखा जो 69 जीनोम है जिसमें हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी. यहां पे असेंबली पे क्लिक किया, असेंबली पे क्लिक करने के बाद मैंने सारे के सारे जीनोम्स जो है उनको सिलेक्ट करना है बेसिकली. तो ये मेरे पास सारे के सारे सिलेक्ट हो गए 69 के 69. नाउ आई विल गो हियर डाउनलोड टेबल. ये मेरे पास TSV फाइल के अंदर NCBI का डेटा 69 जीनोम का आ गया. मैंने डाउनलोड किया टेबल, आई विल ओपन दैट टेबल. ये मेरे पास टेबल आ गया, आई विल जस्ट शो यू इन अ मिनट. मैं उसकी स्क्रीन जो है वो बराबर कर लूं इसकी. ये जो मेरे पास टेबल आ गया, अब ये टेबल मैंने क्यों डाउनलोड किया उसकी रीजन आपको बताने लगा. ये जो मैं कॉपी पेस्ट करके कोमा लगा के सारी चीजें लिख रहा था ना, याद है ना आपको, यहां से पकड़े इसको कॉपी करें उसके अंदर आपका अल्लाह भला करे सबलाइम टेक्स्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में कन्वर्ट कर ले, बल्ले बल्ले इजी पीजी उठा के सारे जीनोम डाल सकते हैं. क्यों सारे के सारे डाल रहे हैं, मैं आपको अभी वो रीजन बताने लगा हूं. अगर आप गौर करें यहां पे वो क्या कह रहा है, अप टू 200 जीनोम्स. सो फॉर अस इज अ बिग थिंग, बैक्टीरियोडिस फ्रेजिलिस जबरदस्त हो जाएगा. ठीक है, यहां पे अब आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूं मैं कि पैन जीनोम एक्सप्लोरर किस किस ने यूज किया. पैन जीनोम एक्सप्लोरर इन पेपर्स, ये है जी पैन जीनोम एक्सप्लोरर जो पेपर के थ्रू आया. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पैन जीनोम एक्सप्लोरर जब पब्लिश हुआ दैट वाज September 2022. अभी तक इनकी बेचारों की एक साइटेशन है. मैं यहां से निकालता होता हूँ कि किसने यूज किया, क्योंकि जिसने यूज किया वो साइट तो जरूर करेगा. इस पे क्लिक किया और एक्सेप्ट ऑल करता हूँ. साइटेशन एक है, अब मैंने साइटेशन निकाल ली. लेट मी सी मैं कहां से निकाल सकता हूँ. यहां से ये आ गया मेरे पास पेपर. मजे वाली चीज आपको दिखाने लगा हूं, बिलीव मी इट्स गोइंग टू चेंज द माइंडसेट.
द पैन जीनोम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पैथोजन माइकोबैक्टीरियम कंसासाइट। ये एक बंदे ने अकेले ने बैठ के ना पूरे का पूरा पेपर लिख दिया। अब देखिएगा किया क्या। हाँ जी, ये फेमिलियर है इस ग्राफ से? इस ग्राफ से फेमिलियर है? अच्छा, इस ग्राफ से फेमिलियर है? ये इस ग्राफ से फेमिलियर है? ये आपके पास टेबल है ना, क्लस्टर जब हमने डाला था? अच्छा, ये इनसे फेमिलियर है जो मैंने आपको बताया सर्कोस? पेपर रेडी? ऑनलाइन लिया सारा कुछ? जस्ट इमेजिन, स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी सभी को? आ रही है? एक मिनट, काफियों को नहीं आ रही, मैं दोबारा से दिखाता हूं स्क्रीन। अब आ रही है नजर स्क्रीन? ओके, ये है वो पेपर जो मैंने आपको बताया था, पैन जीनोम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पैथोजन माइकोबैक्टीरियम। और यहाँ पे उसने कोक कैटेगरी सॉरी परसेंटेजेस वही उठाई हैं जो पैन जीनोम एक्सप्लोरर ने बताई थी। ऑब्वियसली वो एक टूल है, लेकिन एक साइंटिस्ट का मकसद ये टूल को यूटिलाइज करके कोई हाइपोथेसिस बनाना। एंड इफ यू रीड दिस पेपर, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल इंडिया का लिखा हुआ पेपर है, और अगर आप इस पेपर को रीड करें ना, देन यू विल हैव एन आइडिया कि ये सारे का सारा टूल तो आपके हाथ में अवेलेबल है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, क्या ख्याल है? चलें बाकी सारी बात छोड़ें यार, आप इसके स्टाइल को कॉपी कर लें, कोई और ऑर्गेनिज्म चूज कर लें, आप पूरे का पूरा पेपर लिख सकते हैं पैन जीनोमिक्स। यू डोंट नीड टू लर्न कोडिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सिंपली गो अहेड, पुट योर असेंबली नेम्स, जेन बैंक के नेम, और हाइपोथेसिस जनरेट कर लें। आपको लेकिन पता होना चाहिए कि करना क्या है, एंड एट द एंड यू विल हैव दिस काइंड ऑफ एन आइडिया। लो जनाब, आपके पास टेबल भी पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली उसने 12 स्ट्रेन्स को यूज किया, जस्ट इमेजिन आप कितनी कर सकते हैं। और ये कोई टेबल कोई मुश्किल है बनाना, ये जो हमने अभी डाउनलोड किया वही चीज नहीं है? नाम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीरियल नंबर एंड देन जेन बैंक नंबर। ऑब्वियसली इफ यू नो हाउ टू राइट इन अ वेल एंड रियली नाइस कंडीशन, एंड आपको कैसे एक्सप्लेन करना है चीजों को, और आपका टाइटल अच्छा है, यू कैन पुट द सेम आर्टिकल इन मोर देन 5 इंपैक्ट फैक्टर इजीली। डेटा आपने एनसीबीआई से लिया, हाइपोथेसिस अपना बनाया, ओके आज पेपर। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड पैन जीनोम एक्सप्लोरर का पोटेंशियल। और बाय द वे, जारी बात है, टूल्स इतने आ चुके हैं लोगों की लाइफ के अंदर, पीपल डोंट रियली नो कि कौन सा टूल कैसे यूटिलाइज करना है। इस वजह से टूल इंपॉर्टेंट नहीं होता, टूल को यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डॉग को जरूर पढ़ें जब आप अपना पैन जीनोम एक्सप्लोरर करें, एंड देन जो आप यहाँ पे 3 जीनोम ऐड करें वो सारे के सारे एनवीओ में भी लगाएं, ताकि आप दोनों चीजें सीख लें। ठीक है, एनवीओ में सेम कमांड्स हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको सेम कमांड्स को अपने जीनोम्स पे डाल लें। ठीक है, एंड देन यू विल लर्न कि कैसे एनवीओ काम करते हैं। और बिलीव मी, पैन जीनोमिक्स एक ऐसा फील्ड है, जारी बात है 2005 से ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी इसकी यूटिलाइजेशन बहुत हो गई है। वो ऑर्गेनिज्म चूज करें जिनका अभी तक पैन जीनोम नहीं बना, बना बना के डालते जाए। इट्स अप टू यू नाउ हाउ यू प्रोसीड विद द पैन जीनोमिक्स। मेरी तरफ से जितना नॉलेज हो सका मैंने आपको दिया, 2 पाइपलाइंस बकायदा मैंने आपको सिखाई, जीनोम असेंबली तक सिखा दी, मतलब रॉ डेटा से लेके अब तक। अगर आप अपने जीनोम्स पे पैन जीनोम करना चाहते हैं बिफोर पब्लिशिंग दैट आउट, यू कैन डू दैट वन। किसी के जीनोम पे करना है तब भी कर सकते हैं। आपको रॉ डेटा से लेके, यानी कि फास्ट क्यू से लेके लॉन्ग रीड का भी मैंने बता दिया, शॉर्ट का भी बता दिया, असेंबली का भी बता दिया, एनोटेशन का भी बता दिया, पैन जीनोमिक्स का भी बता दिया, कॉक कैटेगरीज का भी हमने देख लिया, HMM के डेटाबेसिस वगैरह जो यूज होते हैं टूल में वो भी देख लिया, पेनाकोटा का यूज भी हमने कर लिया, अभी बेसिकली पेनाकोटा का यूज है ना ये। और एट द एंड हमारे पास जो ग्राफ्स आते हैं, बने बनाए ग्राफ्स आपके सामने हैं। देखें, अगर एक बंदे ने साइट किया इसका मतलब पढ़ा भी किसी ने नहीं होगा ज्यादातर, समझ रहे ना बात को? तो टूल्स का लोगों को नहीं पता ना, तो आप यूटिलाइज करें इस पावर को। गैलेक्सी और बाकी चीजें भी ठीक है, बट अगर आपको कोडिंग करने आती है और एक टूल आपकी हेल्प कर रहा है अच्छे तरीके से पेपर लिखने में, और आपको रेडी टू मेड ग्राफ्स दे रहा है, तो एक आधा पेपर लिख के सबमिट करवाएं, फिर दूसरे पे कोडिंग में कर लें काम स्टार्ट। ठीक है, टू ट्वीक मोर, पर इट्स अप टू यू, आपने क्या करना है। इफ यू टीम अप यू कैन पब्लिश दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स वेरी सून। और ये यहाँ पे आज हमारा पैन जीनोमिक्स का जो एनालिसिस है वो खत्म होता है। हमने स्टार्ट से लेके एंड तक, मैंने इंटरप्रिटेशन तक आपको बताई है आज बेसिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सिर्फ हमने डायग्राम्स नहीं देखी हैं, आप पे डिपेंड करते हैं आप किस फील्ड में इसको लेके जाते हैं।
आप कोई ऐसे माइक्रोब्स को चूज कर लें जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को रोकते हैं, आप ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर लें जो अभी तक किसी ने नहीं देखे. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जीनोम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. आप गट माइक्रोबायोटा को सर स्टडी करें, ह्यूमन गट को, और स्टडी करने के बाद देखें कि अगर यहाँ से कोई बैक्टीरिया किसी अमेरिकन ह्यूमन से आइसोलेट किया गया और कोई फॉर एग्जाम्पल चाइनीज ह्यूमन से किया गया या गर्म मरतूब इलाकों वालों और ठंडे मरतूब इलाकों वालों से किया गया, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके से उनका पैन जीनोम कंस्ट्रक्ट होगा. बैक्टीरिया इतने ज्यादा हैं, फिर आप चले जाएं आर्किया की तरफ, बेतहाशा हैं, जेनरा की बेस पे कर लें, स्पीशी की बेस पे करना नहीं है तो इट्स अप टू यू. इट्स अ बिग थिंग नाउडेज. और लोग रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल देखा, उन्होंने बकायदा, लेट मी सी दैट आर्टिकल, अगर मेरे पास यहाँ पे होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ. जस्ट अ मिनट, क्योंकि वो आर्टिकल इतना बड़ा था, मैंने उसको बकायदा सेव किया हुआ है किसी जगह पे, बहुत ही सेव हो गया. वो होता है ना कुछ ज्यादा चीज सेव. हाँ, उन्होंने, खुदा के बंदों ने, नेचर का आर्टिकल है, इट्स अ गुड रीड इफ यू वांट टू रीड. जारी बात पढ़ना तो नहीं है तुसी, पर मेरा जो आपको एक दफा पैशनेट तो बनाना है ना कि कोई चीज ऐसी भी होती है जो पढ़नी चाहिए हमें, लाइक दिस वन. द नेम ऑफ आर्टिकल इज रोविंग मिथाइल ट्रांसफरेजेस जनरेट इन मोज़ेक एपिजेनेटिक लैंडस्केप एंड इन्फ्लुएंस एवोल्यूशन इन बैक्टेरिडियस फ्रैजिलिस प्रो. अगर आप इसको पढ़ें एक दफा तो आपको समझ आए कि उन्होंने 383 जीनोम्स को इकट्ठा किया. सम ऑफ देम वर आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमंस, सम ऑफ देम वर आइसोलेटेड फ्रॉम समवेयर एल्स. डीएनए खुद निकाला, इसी वजह से ये नेचर कम्युनिकेशन में आर्टिकल. तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, यू कैन हैव एन आइडिया कि इसकी एप्लीकेशन पैन जीनोम की कहाँ पे जा सकती है. अब तो आपको पता है ना ये कौन कौन से ग्राफ्स हैं, अब आप परेशान नहीं होंगे ये कैसे चल रहे हैं. स्टिल यू नीड सम काइंड ऑफ एनालिसिस एंड यू कैन शो द सेम आर्टिकल्स इन डिफरेंट वे. बाय द वे, इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं ये बेसिकली नेटवर्किंग को शो करते हैं, क्लस्टरिंग को शो करते हैं. देयर आर मेनी टूल्स व्हिच मेक्स दिस काइंड ऑफ ग्राफ. फॉर एग्जांपल MM-Seqs के नाम से एक टूल है जो क्लस्टर कर देता है काफी इंफॉर्मेशन को, सो यू कैन यूटिलाइज दैट टूल एज वेल. दिस इज सम काइंड ऑफ नेटवर्किंग व्हिच यू कैन डू इन साइटोस्केप. तो आप इस पेपर को पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा कि पावर क्या है जीनोमिक्स की. टाइटल ये मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, और ये बेसिकली माइकल जे टित्सा, इन्होंने पब्लिश किया. अगर आप इसके साथ एटाल लिख के 2023 लिखेंगे जो रिसेंटली आया आर्टिकल, देन यू कैन हैव एन आइडिया. और मैं इसका आपको लिंक भी सेंड कर देता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस पेपर. ये आ गया जी पेपर आपके पास, लिंक मैंने भेज दिया, और पैन जीनोम एक्सप्लोरर का लिंक भी आपको भेज देता हूँ. यह आ गया जी पैन जीनोम एक्सप्लोरर. और आज की तीसरी चीज थी हमारी विब्रियो जिशेदा, जो मैंने आपको काफी दफा करके भी दिखाया और साथ पे पढ़ाया भी है. एंड देन यू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से हमने पैन जीनोम को कंस्ट्रक्ट करना है. यहाँ पे अपनी क्लास को हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मेटा जीनोमिक्स, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा.